तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप जानते हैं, मैं राहुल जिंदल और आज मैं लाया हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2। और आज हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आगे शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि वीडियो कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हम बात करेंगे वो है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं जैसे z1 और z2, अगर हमको दिया हुआ है कि z1 इज इक्वल टू z2 है, ठीक है, हम जेड को कैसे लिख सकते हैं, a1 प्लस आयोटा b1 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2, ठीक है। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, अगर इक्वल है इसका मतलब a1 इज इक्वल टू a2 और b1 इज इक्वल टू b2, ठीक है, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। चलिए एक हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है हमारा x प्लस आयोटा वाई इंटू 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, और हमने x और y की वैल्यू निकाल दी है। x और y की जो अभी हमने पढ़ा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में वही लगेगा इसमें, ठीक है। पहले आप देख लो इसको, यार नीचे डिवाइड में नहीं जाओ, ठीक है। x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। अब क्या करना है, कुछ नहीं, रैशनलाइज कर देंगे। 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास बन जाएगा 8 प्लस 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, और नीचे बन जाएगा हमारे पास 4 प्लस 9, ठीक है। तो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास 5 प्लस 14 आयोटा अपॉन 13। अगर हम यहां से कंपेयर करें, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5/13 और y की आ जाएगी 14/13। आगे वैल्यू जो हमने पढ़ा है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, हमने सिर्फ वही लगाया हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। हम बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉन्जुगेट जैसे हमको कोई नंबर दिया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट होगा ना, हम उसको कैसे लिखेंगे, जेड के ऊपर बार लगा के, इसको हम बोलते हैं जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जेड कॉन्जुगेट, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ए माइनस आयोटा बी, मतलब जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर से उल्टा साइड उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखें, ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफ पर देखें, तो ग्राफ पर ये
हमारे पास ये हो जाएगी रियल एक्सिस, जो हो जाएगी इमेजिनरी, ठीक है। अगर मैं कोई भी ले जैसे 2 + i / 3, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, 3। अगर मैं इससे कॉन्जुगेट कर दूं, कॉन्जुगेट मतलब 2 - i / 3, ये हमारे पास इसके ऑपोजिट आ जाएगा यहाँ पर 2, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। बस कॉन्जुगेट का मतलब उसका नेगेटिव, ठीक है। अब हम कुछ बातें देखेंगे जो कॉन्जुगेट करते समय हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, जरूरी बातें। डाल के निकलो। पहली बात, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम्हारा a है वो 0 है, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा सॉरी वो हो जाएगा हमारे पास प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। अगर हमारा सेकेंड पार्ट, अगर हमारा b 0 है तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल, ठीक है। अब तीसरी बात, जब भी हम z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे z कॉन्जुगेट के साथ, तो उसका हमारे पास जो प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या होगा हमारे पास a² + b² ठीक है, आपको निकलेगा a² + b² कैसे निकला है देखिए। अब हमारे पास सपोज करो कोई भी वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो होगा हमारे पास a + i / b, ठीक है, दोनों कॉन्जुगेट ये बन जाएगा हमारे पास a - i / b a² - i / b, ये अब स्क्वायर हो गया a - i / b का होल स्क्वायर, खोल लेंगे इसको तो a² + b² - 2 a i / b, ठीक है। और यहां हम सिंपलीफाई करके हमारे पास ये आ जाएगा, ये अपना कर लेना इजी है, ठीक है। और फोर्थ पार्ट क्या हमारे पास, अगर हम z में z कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर आएगा 2a, ठीक है। और फिफ्थ पार्ट, अगर हम z में से z कॉन्जुगेट को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 2i / b, ठीक है, हमारे पास आएगा 2i / b। तो ये हमारे पास पांच बातें जो हमने ध्यान में रखी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, अब हम बात करेंगे मॉड्यूलस के बारे में, ठीक है। बस मॉड्यूलस क्या होता है ये देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जैसे a + i / b, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा हमारे पास, इसका मॉड्यूलस होगा हमारे पास z, इसका मतलब होता है z मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास अंडर रूट a² + b² हमारे पास ये होगा, ठीक है, z मॉड्यूलस, ठीक है। और हमारे पास यहाँ a है वो है रियल नंबर, पता ही आपको a रियल है और b इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अब हम देखेंगे हम मॉड्यूलस को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये देखिए पता ही आपको ये रियल की है x एक्सिस,
और ये भाई अच्छी लोग के इमेजिनरी है। जैसे हमारे पास ये है मतलब ये आपको 0 0 ये हमारे पास ओरिजिन, हमारे पास सपोज करो यहाँ पर है ए और बी, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, इनके बीच का डिस्टेंस उसको हम बोल सकते हैं जेड मॉड्यूलस, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं जेड मॉड्यूलस। और उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे इस लाइन से। और जो ये लाइन है ये बनता है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। गाइस तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए एंड